नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया। केंद्र में सरकार ने अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे कर लिए हैं और आज कार्यक्रम में हम गत 4 वर्षों में जो प्रगति हुई है उस पर चर्चा करेंगे। कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, विदेश नीति की अगर बात करें तो वहां पर किस तरह की प्रगति रही। लेकिन आइए कार्यक्रम में सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि वित्तीय योजनाओं की अगर बात करें, जिसमें चाहे जनधन की बात हो, मुद्रा की बात हो, बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि, ये योजनाएँ क्या हैं और इनका लाभ क्या मिला। मोदी सरकार ने देशवासियों को सिर्फ उम्मीद की किरण ही नहीं दिखाई बल्कि उनके सपने भी साकार किए। हर किसी का बैंक खाता हो अपना, इस सपने को सच किया प्रधानमंत्री जनधन योजना ने। बैंकों और लोगों के बीच की दूरी घटी और कमजोर तबके को भी एहसास हुआ कि वो सशक्त हो रहे हैं। अब तक 31 करोड़ 60 लाख से ज्यादा बैंक खाते खुले हैं, जिनमें 81,203 करोड़ 59 लाख से अधिक की धनराशि जमा हुई है। जहां बैंक नहीं है वहां बैंक मित्रों के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। जनधन यानी आर्थिक स्तर पर लोगों को मजबूत करने की शानदार पहल। पैसों की कमी के कारण बेटियों के भविष्य पर संकट के बादल मंडराने लगे, इसके लिए प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना ने बड़ा बदलाव किया है। हर महीने बेटी के नाम से एक छोटी सी राशि के बैंक में जमा होने से अब माता पिता भविष्य की आशंकाओं से बहुत हद तक मुक्त हो रहे हैं। बेहतर ब्याज दर और सरल प्रक्रिया होने से ज्यादा लोग इस ओर आकर्षित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने उन लोगों को आत्मनिर्भर बनने का मौका दिया जो अपने हुनर के सहारे खुद का व्यापार व्यवसाय करना चाहते थे। मुद्रा का ही कमाल है कि अब करोड़ों लोग आत्मनिर्भर होकर न सिर्फ अच्छी आमदनी कर रहे हैं साथ ही दूसरों को रोजगार भी दे रहे हैं। अब तक 12 करोड़ 75 लाख से अधिक मुद्रा लोन जारी किए जा चुके हैं। जन धन से जन सुरक्षा के लिए भी कई अनुपम कोशिशें की गई हैं। मात्र 330 रुपए में 2 लाख रुपए का बीमा कवर आज के समय में मिलना बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ने लोगों को एहसास कराया है कि सरकार हर परिस्थिति में उनके साथ है। कुछ समय पहले तक इस योजना से 5 करोड़ 34 लाख से अधिक लोग जुड़कर अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने क्लेम किया है जिसमें 93,000 से ज्यादा को राशि जारी भी की जा चुकी है। सिर्फ 12 रुपए की प्रीमियम पर दुर्घटना के समय मृत्यु या अपंग होने की स्थिति में 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देने में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का कोई सानी नहीं है। अब तक 13 करोड़ 53 लाख लोग इससे जुड़ चुके हैं। इस योजना से अब तक 17,000 से अधिक लोगों को सहायता राशि जारी की जा चुकी है जो मुश्किल समय में उनके लिए बड़ा सहारा बनी। 60 वर्ष के बाद जीवन जीने की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही अटल पेंशन योजना ने लोगों को रिटायरमेंट के बाद की आशंकाओं को बहुत हद तक कम कर दिया है। इसकी खासियत ये है कि इसमें लोगों की हिस्सेदारी के साथ साथ सरकार भी अपनी तरफ से सहयोग करती है जिससे पेंशन के रूप में अच्छी राशि मिलती है। अब तक 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग अटल पेंशन योजना से जुड़ चुके हैं। लोग 3,950 करोड़ रुपए की राशि जमा करा चुके हैं। मोदी सरकार ने घर परिवार और समाज के बुजुर्गों का भी खास ख्याल रखते हुए उन्हें वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना की सौगात दी है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को एक निश्चित आमदनी की व्यवस्था है। जिस उम्र में शरीर 7 दिना बंद करने लगता है उस समय अगर आर्थिक स्तर पर चिंताएं खत्म हो जाएं, फिर कहने ही क्या। इन योजनाओं की सफलता ने देश को नई दिशा देने का काम किया है और उम्मीद है कि ये सुनहरा सफर जारी रहेगा। गुड इवनिंग इंडिया। हर घर परिवार में कुछ ना कुछ इनकम है, आय होती है, खर्चा भी होता है और यदि अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स हैं तो बचत भी होगी। लेकिन सवाल उठता है कि जो भी वित्तीय संसाधन घर परिवार में हैं उसका प्रबंधन कैसे करें,
इस दिशा में फाइनेंशियल लिटरेसी बेहद महत्वपूर्ण है। और आज इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज में हैं राहुल सैनी, आप वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ हैं। राहुल, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। नमस्कार अमित जी। नमस्कार राहुल। जब आप कहते हैं कि आम जनता, नागरिक देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ सकती है और इसमें वित्तीय साक्षरता हमारी मदद कर सकती है, इसे हम कैसे समझें? तो बेसिकली आपको समझना है कि भारत में 133 करोड़ लोग हैं। 133 करोड़ लोग में से सिर्फ 3 करोड़ लोग ही भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। जब हम बोलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, तो हम समझते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था, अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में आ जाते हैं तो वहाँ पर एक है निफ्टी इंडेक्स। निफ्टी इंडेक्स में टॉप 50 कंपनियां होती हैं। टॉप 50 कंपनियां जिनकी मार्केट कैप जो है वो 1.12 ट्रिलियन की है, और वो अगर हम जीडीपी की बात करते हैं तो हमारी जो जीडीपी है वो 2.25 ट्रिलियन की है, तो वो लगभग 50% भारतीय अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट करती है। और पूरे भारत में हम कहीं पर भी कुछ भी अगर खर्चा करते हैं तो वो खर्चा घूम फिर के इन बड़ी कंपनियों के पास आता है। लेट्स से कि आप पार्किंग जाते हैं और पार्किंग में 20 रुपये की टिकट देते हैं, तो उस 20 रुपये की टिकट पार्किंग वाले के पास आती है। पार्किंग वाला वो पैसे से कुछ खाना खरीदता है, वो जो खाने वाले के पास पैसा आता है वो साइकिल खरीदता है, साइकिल वाला स्कूटर खरीदता है, स्कूटर वाला मोटरसाइकिल, तो घूम फिर के वो सारा पैसा इन्हीं भारत की टॉप 50 कंपनियों के पास आता है। तो उससे क्या होता है कि जब भी आप कुछ भी कंज्यूम करते हैं भारत के अंदर रह के कुछ भी कंज्यूम करते हैं, तो वो पैसा यहाँ पे आने की वजह से इनका अर्निंग बढ़ती है। अगर इन कंपनियों की अर्निंग बढ़ती है तो इनके प्रॉफिट होते हैं, प्रॉफिट होते हैं तो इनका शेयर प्राइस भी बढ़ता है, तो उस हिसाब से हमारी जीडीपी बढ़ रही होती है जी। तो यानी निफ्टी इंडेक्स में अगर कोई भी व्यक्ति निवेश करे, उसमें आप कह रहे हैं देश की टॉप 50 कंपनी है जी, कंपनी में रैंकिंग में बदलाव हो सकता है लेकिन कोई ना कोई टॉप 50 में होगा, मेरा पैसा सुरक्षित है? एकदम। जैसे कि अगर आप समझेंगे कि सेंसेक्स टॉप 30 कंपनी का एक इंडेक्स है, तो सेंसेक्स एक है, सेंसेक्स एक है निफ्टी। सेंसेक्स और निफ्टी में ज्यादा फर्क नहीं है, सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनियां होती है, निफ्टी में टॉप 50 कंपनियां होती है। और ओवरलैप भी हो सकता है कंपनीज का, टॉप 30 तो दोनों में सेम रहेंगी। अच्छा, है ना। तो ये सेंसेक्स जो है 1980 में चलाया गया था, तो अगर मैं सेंसेक्स की आपको बात करता हूं तो सेंसेक्स में 1980 में जो 30 कंपनियां थी, आज उसमें से 25-26 कंपनियां बदल चुकी हैं, परंतु सेंसेक्स जब चला था तो उस समय वो 100 अंक पे चला था और आज वो 35,000 पे है। तो यानी कि वो 25 कंपनियां चाहे कहीं भी जाएं, आज कोई नई कंपनियां वहां आ चुकी हैं, और नई कंपनियों के होते हुए भी सेंसेक्स जो है वो 35,000 पे है। सेंसेक्स जब मैं बोल रहा हूं तो वो टॉप 30 कंपनियां है, और सेंसेक्स के साथ मैं निफ्टी बोल रहा हूं तो टॉप 50 कंपनियां है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपका पैसा यदि आपने निफ्टी इंडेक्स में निवेश किया है तो वो अर्थव्यवस्था में निवेश है, और अगर कोई भी कंपनी खराब करती है तो वो कंपनी वहां से लिस्ट से बाहर निकल जाएगी, उसके बदले में कोई ना कोई कंपनी है जो उसमें आने के लिए तैयार है। तो मान लो कोई निवेशक 1,00,000 रुपए उसके पास सेविंग पड़ी है, वह निफ्टी इंडेक्स में लगाता है, तो टॉप 50 कंपनीज में उसका पैसा कैसे जाता है? फिर समझ लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपए है, और निफ्टी की कंपोजिशन अगर मैं आपको बताता हूं तो अगर रिलायंस 7% है, उसके बाद इंफोसिस मान लीजिए, TCS 6% है, तो आपने 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करना है तो उसमें से रिलायंस में 7,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली वो फंड मैनेजर जो भी म्यूचुअल फंड वो इंडेक्स फंड की बास्केट बनाएगा और वो आपको फंड देगा, वो ऑटोमेटिकली उन्हीं परसेंटेज को फॉलो करेगा। जब वो उसको फॉलो करेगा तो ही हम उसको बोलते हैं कि निफ्टी इंडेक्स फंड, तभी वो निफ्टी इंडेक्स फंड को हम कॉपी करते हैं। तो इसका खाता कैसे खुलता है? हाँ, निफ्टी इंडेक्स फंड में अगर आपको निवेश करना है तो आपको सबसे पहले किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस में जाना है। मैं किसी म्यूचुअल फंड हाउस का नाम नहीं ले सकता हूं ताकि आपको ये ना लगे कि मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूं। तो बेसिकली आपको म्यूचुअल फंड हाउस जाना है, ध्यान रहे बैंक में नहीं जाना है। अच्छा। बैंक में जाएंगे तो कोई ना कोई वहां एजेंट होगा, क्यों नहीं जाना है मैं बताता हूं। तो आपको क्या करना है, म्यूचुअल फंड हाउस में जाना है और वहां पे उनको जाके बोलना है कि निफ्टी इंडेक्स फंड में SIP स्टार्ट करनी है। SIP का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आप चाहें तो 1,000 रुपए की कर सकते हैं। मिनिमम SIP स्टार्ट करने के लिए 500 रुपए से आपको स्टार्ट करना ये होता है। महीने देने होंगे? हर महीने आपको अपने अकाउंट से इंस्ट्रक्शन देनी है, आपके अकाउंट से कटता रहेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। पर राहुल जी, क्योंकि ऑनलाइन जमाना है, जरूरी है कि मैं कहीं म्यूचुअल फंड हाउस जाऊं या मैं ऑनलाइन भी कहीं कर सकता हूं काम? मैं इसका जवाब देता हूं। बेसिकली अगर आपने कभी पहले म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, इन्वेस्ट किया है, तो आपको ऑनलाइन जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी KYC हो चुकी होगी। परंतु आप नए इन्वेस्टर हैं, जो कि मैं सोच रहा हूं कि भारत की जिस आम जनता के लिए हम कर रहे हैं, तो वो सभी नए इन्वेस्टर होंगे ही होंगे, तो उनको एक बार सिर्फ अपना आधार कार्ड और अपनी फोटो लेके जाना पड़ेगा वहां पे, और पैन कार्ड वो लेके जाएंगे, और वहां पे उनको बोलना है कि निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट
डायरेक्ट वर्ड का हमेशा ध्यान रखें। डायरेक्ट वर्ड का मतलब है कि जब मैं निफ्टी इंडेक्स फंड में निवेश कर रहा हूं तो उसका और उस फंड में और मेरे बीच में कोई भी नहीं आ रहा है। तो आपको पूरा नाम उसका हो जाएगा निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो आपको बोलना है कि निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ में SIP स्टार्ट करनी है, और आपको बताना है कि कंफर्टेबली आप 1,000 रुपए की करना चाहते हैं, 5,000 की करना चाहते हैं या 500 रुपए की। और SIP करते हुए आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 12 साल की SIP स्टार्ट करें। अच्छा, 12 साल की। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमने निफ्टी इंडेक्स फंड में पैसा निवेश किया तो हमने एक रिस्क तो खत्म कर दिया, वो क्या है कि पैसा कभी जीरो नहीं होगा। कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं कि कैसे जीरो नहीं होगा, क्यों? निफ्टी इंडेक्स फंड क्या है? टॉप 50 कंपनी का बास्केट है, तो टॉप 50 कभी भी जीरो नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। 5,000 कंपनियों में से कोई ना कोई टॉप 50 हमेशा रहने वाला है, और वो भी उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से है, किसी का नाम देख के नहीं, किसी की जात देख के नहीं, कुछ भी देख के नहीं। जो अच्छा करेगा वो हमारे पोर्टफोलियो में आ जाएगा, जो अच्छा नहीं करेगा वो बाहर चला जाएगा। यानी जब मैं निफ्टी इंडेक्स फंड में निवेश करता हूँ, ये एक तरह का म्यूचुअल फंड है। Absolutely, इट्स अ म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड, एक होता है पैसिव म्यूचुअल फंड। एक्टिव म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कौन सी कंपनी इस फंड में रहेगी। तो क्योंकि वो डिसाइड कर रहे होते हैं तो उनको भी कुछ खर्चा देना पड़ता है। तो जो एक्टिव म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं उनकी जो फीस होती है वो 1-2% तक होती है, क्योंकि ये पैसिव म्यूचुअल फंड है, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना, जो परसेंटेज है उसको सिर्फ फॉलो करना है। अगर उसको फॉलो करना है कोई फंड मैनेजर की जरूरत नहीं है, कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटिक भी ये हो सकता है। तो अगर उसको फॉलो ही करना है तो इसका एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.1-0.2 के आसपास होता है जी। तो जैसा आपने कहा था कि डायरेक्ट, यानी कोई एजेंट ना हो और इसलिए कोई कमीशन नहीं देनी पड़ेगी, अगर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली वो पैसिव भी हो गया। पैसिव तो वो वैसे ही हो गया, जब आपने निफ्टी इंडेक्स फंड में निवेश किया तो वो एक पैसिव फंड है। पैसिव का मतलब है किसी फंड मैनेजर की जरूरत ही नहीं है, प्री डिटरमाइंड रेशो पे ही लगेगा। वो रेशो चेंज होता रहेगा, आपका पैसा भी चेंज होता रहेगा। बेसिकली आपने उन 50 लोगों से इन्वेस्टमेंट करी है उनके साथ, बिजनेसमैन के साथ, और वो 50 के 50 अगर बदल जाते हैं कल को तो दूसरे 50 आ जाएंगे, उसमें आपको कुछ नहीं करना। हाँ, डायरेक्ट का एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेसिकली जब भी आप वो फॉर्म फिलअप करेंगे, फर्स्ट टाइम तो आपको फॉर्म ही फिलअप करना पड़ेगा, निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट, याद रहे मैं बार बार बोल रहा हूँ, डायरेक्ट वर्ड जरूर लिखा हो। यदि डायरेक्ट नहीं लिखा होगा तो वहाँ पे तब भी वो डायरेक्ट नहीं होगा। तो बेसिकली हमारी इंडस्ट्री में क्या है, एक डायरेक्ट वर्ड है, डायरेक्ट का ऑपोजिट होता है इनडायरेक्ट, राइट? तो इनडायरेक्ट वर्ड आपको कहीं भी किसी भी फंड में लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? अगर समझिए इनडायरेक्ट वर्ड कहीं लिख दिया इनडायरेक्ट वर्ड, तो आपको क्या पता लगेगा उससे? आपको पता लगेगा इसका मतलब कुछ डायरेक्ट भी है जी, बिल्कुल। तो इन लोगों ने क्या किया है, इनडायरेक्ट वर्ड को हटा के एक ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया है जिसमें कि आपको फील आए कि यही खरीदना है, और उस वर्ड का नाम रखा गया है रेगुलर। अच्छा, अब आप ही बताइए अगर रेगुलर लिखा होगा तो आपको फीलिंग कैसी आएगी? हालांकि म्यूचुअल फंड जितने भी एजेंट्स हैं वो सब लोग रेगुलर फंड ही बेचते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत करते हैं, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो बहुत सारा पैसा ऐसा लेके आते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में इतनी साक्षरता नहीं है जी। और इसलिए अगर हम वित्तीय साक्षर हो जाएंगे तो हम अपना चुनाव खुद कर सकते हैं कि अगर डायरेक्ट लिखा है तो वो मुझे सस्ता पड़ेगा क्योंकि कोई एजेंट कमीशन नहीं है, रेगुलर है तो वहां पर किसी इंटरमीडिएट को भी पैसा देना पड़ सकता है। एक तो सस्ता पड़ेगा, दूसरा अगर वो सस्ता नहीं भी होता समझिए तो भी हम ऐसी जगह ही निवेश करते जहां पे हमारा पैसा जीरो नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि यहां पर जो है निफ्टी के अंदर वही कंपनी रहने वाली है जो परफॉर्म अच्छा करेगी, उस फंड के अंदर वो मैनेजर का दिमाग भी यूज होगा। तो इसका मतलब हमारा पैसा जो है उस मैनेजर के दिमाग पे भी निर्भर करता है, वो मैनेजर कैसे परफॉर्म करेगा। तो जैसे निफ्टी इंडेक्स हुआ टॉप 50 कंपनी, अगर सेंसेक्स में जाएं वो भी एकदम सेम ही है, फिर बस टॉप 50 में से टॉप 30 ले लीजिए, अदरवाइज वो सेंसेक्स एकदम सेम है। बस निफ्टी इज अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। ऐसी एक और इंडेक्स होता है टॉप 100 का, मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, पर उसमें उसका भी कोई फंड नहीं आता है। तो निफ्टी 50 पे रुकते हैं और निफ्टी 50 को हम बोलते हैं निफ्टी 50 इज इक्वल टू अर्थव्यवस्था। अच्छा, तो आपको निफ्टी 50 में निवेश करना है, निफ्टी इंडेक्स में निवेश करने के लिए आपको निफ्टी इंडेक्स फंड में निवेश करना है, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश करना जी, है जी, बिल्कुल। और लॉक इन जरूर पूछना चाहूंगा, लोग हमेशा जब भी निवेश करते हैं तो उन्हें जानना होता है कि मैं कितने साल के बाद पैसा निकाल सकता हूं। इसमें कोई भी लॉक इन नहीं है, परंतु जब जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप SIP स्टार्ट करते हैं तो आपको SIP यही सोच के करना है कि कम से कम 12 साल का पीरियड लेना है, ताकि उसमें अगर बूम और बस्ट आए तो वो सब एवरेज आउट हो जाए जी।
बिल्कुल एकदम। तो उसमें क्या होता है, हमारी जो मार्केट होती है कभी ऊपर जाती है कभी नीचे, वो सीधी लाइन में नहीं चलती। अगर कोई अगर आप दर्शक लोग इसको देख रहे हैं और अगर आप चाहें भी और चेक भी करेंगे इसको, तो निफ्टी का अगर ग्राफ भी देखेंगे तो आपको ऊपर नीचे काफी दिखाई देगा। तो आपको ये इसमें एक और बात का ध्यान, अहम बात है जिसको आपको ध्यान देना है, वो ये है कि अगर आपने मान लीजिए आज SIP शुरू करी, आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और समझिए कल ही से मार्केट शुरू हो गई, गिरना शुरू हो गई, तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? आप कह रहे एवरेज आउट हो जाएगा। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैंने ऐसा देखिए, आम व्यक्ति जब अगर गिरती है तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। मैं आपको यही समझ रहा हूं कि आप आम व्यक्ति हैं, हम बात कर रहे हैं, और मैंने निवेश किया और जैसे ही मैंने SIP स्टार्ट करनी शुरू करी तो मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है, आपने स्टार्ट करी तो गिरना शुरू हो गई, ठीक है, तो कौन सी ज्यादा अच्छी सिचुएशन है? देखिए जहां बढ़ रही है वो बेहतर है, जहां बढ़ रही है वो बेहतर है। अब समझिए 1000 रुपए में मुझे निफ्टी इंडेक्स फंड के कुछ यूनिट मिलेंगे, अगर वो 10 रुपए का है तो मुझे 100 यूनिट मिल जाएंगे। आपके किस में क्या है, आपने 1000 रुपए के मान लीजिए यूनिट ले लिए, अब अगले महीने मार्केट गिर गई तो वो यूनिट सस्ते हो गए या महंगे हो गए? इसका मतलब जो 1000 रुपए में आपके यूनिट पहले आए थे, इस महीने जब मार्केट गिर गई होगी तो यूनिट और ज्यादा आएंगे। जो यूनिट आपको मिलते हैं वही आपके एसेट होते हैं। और हमें क्या करना है, जितने टाइम तक निवेश करना है, SIP करनी है, उतने टाइम तक एसेट एक्यूमुलेट करनी है। जब भी हम उनको बेचेंगे तो हमारा वो एवरेज आउट हो जाएगा जिस भी प्राइस पे, तो कभी भी इससे घबराए ना। ऐसा हो सकता है कि 4-5 साल तक आपको दिखाई दे कि मेरा प्राइस जो है वो माइनस होता जा रहा है, पैसा जो है वो कम होता जा रहा है, परंतु आपको ये समझना है कि आप सस्ते में एसेट खरीद रहे हैं। अगर आप प्रॉपर्टी को 1 करोड़ रुपए की खरीद रहे हैं और अगले महीने वो 90 लाख की हो गई है, तो आपको समझना है अब आपके पास 2 प्रॉपर्टी है, और जो 2 करोड़ की मिलनी थी वो आपके पास 1 करोड़ 90 लाख में 2 प्रॉपर्टी हो गई है। तो अब जब प्रॉफिट होगा तो ये सब ऊपर आ जाएगा, तो सस्ते वाले भी महंगे पे बिकेगी और महंगे वाले भी महंगे पे बिकेगी। जी बिल्कुल। कार्यक्रम में आज हमारे साथ राहुल सैनी हैं और वो हमें शिक्षित कर रहे हैं कि कैसे हम देश की अर्थव्यवस्था में भागीदार बन सकते हैं। यदि वित्तीय साक्षरता पर आप भी उनसे कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें सीधा फोन कर सकते हैं। हमारा स्टूडियो का नंबर नोट करें, 011 दिल्ली का STT कोड, और नंबर है 2309-7524, दैट 0112309-7524। सामाजिक सुरक्षा की अगर बात करें तो वहाँ पर पेंशन बहुत ज़रूरी होती है, तो सबसे पहले मैं अगर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की ही बात करूँ, जहाँ पर आप बता रहे थे कि शायद 2004 का पेंशन नहीं है, तो वहाँ पर हम किस तरह की साक्षरता लाएं और सुरक्षित रहें? बेसिकली जैसे 2004 के बाद पैरामिलिट्री फोर्सेज में पेंशन नहीं है, तो वैसे तो न्यू पेंशन सिस्टम आ गया जिसमें हर कोई कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, परंतु जो फिक्स पेंशन पहले होती थी वो नहीं है। पर अभी जो न्यू पेंशन स्कीम है वो भी बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि उसमें कुछ पैसा आपका इक्विटी में जाता है, तो जो भी पेंशन स्कीम पहले होती थी उससे रेट ऑफ रिटर्न इसका ज्यादा होने वाला है, आपके फ्यूचर में मिलने वाला है। परंतु अगर आप इस पे भी डिपेंड नहीं रहना चाहते तो आप खुद समझिए कि BSF का कोई जवान अगर 17 साल की उम्र में ज्वाइन करता है और वो सिर्फ 1000 रुपए भी निवेश करे अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए, तो 1000 रुपए अगर वो निवेश करेगा और निफ्टी इंडेक्स फंड यानी अर्थव्यवस्था में जब हम निवेश करते हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारी GDP जो है वो 7-8% का टारगेट होता है, दैट इज रियल GDP, और उसके साथ इन्फ्लेशन होता है तो उसको मिला के हम उसको बोल देते हैं 14% से हमारी GDP बढ़ती है। साथ में इंडस्ट्री कितना रिटर्न कमाएगी मैं ये भी एक बार आपको बता देता हूँ। समझिए बैंक में मैंने FD करी और बैंक में अगर मैं FD करता हूँ तो बैंक मुझे 8% देता है या 7% देता है, तो यदि बैंक मुझसे 8% पे एक तरीके से लोन ले रहा है तो वो आगे कितने पे देगा? 8% से ज्यादा पे देगा, 9% या 10% पे देगा या 11% पे देगा? बैंक ने भी कमाना है, बैंक ने भी कमाना है, वरना बैंक को भी बंद होना पड़ेगा। अगर वो 10-11% पे लोन देता है तो इंडस्ट्री अगर 10-11% पे लोन लेती है तो आपको क्या लगता है इंडस्ट्री को कितना कमाना पड़ेगा? 14-15% तो कमाना ही पड़ेगा। अच्छा, 14-15% हम एवरेज मानते हैं, इसमें टॉप 50 का जो इंडेक्स होता है इसके अंदर क्या होता है, कुछ कंपनी 20-25% कमाती है, कुछ कंपनी खराब कर जाती है, तो वो एवरेज आउट होकर 14-15% हो जाता है। एवरेज निफ्टी इंडेक्स पे कितना रिटर्न आ जाता है सालाना? अगर हम सेंसेक्स का मानेंगे 1980 से लेकर और अब तक का 38 साल में 100 से लेकर 35 साल का CAGR, 38 साल का 35,000 का CAGR निकालेंगे, 100 अंक से 35,000, वो आज है 16.6। जी, तो 16.5% है जहां तक सेंसेक्स की बात है 1980 से लेकर अब तक का सफर। इस समय एक कॉलर हैं, राहुल जी उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो जी, सवाल पूछिए। सर एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे अभी आपने बोला ना कि एक म्यूचुअल फंड हाउस होता है और कुछ आपने ये निफ्टी के साथ बोल रहे थे कुछ डायरेक्ट यानी कि ये जरूर लेना है। हाँ जी,
तो सर इसके रिगार्डिंग पूछना चाह रहा था मैं जी, क्या कि सवाल कैसे है? आपने मेरे को एक अभी अभी कुछ बोला 2 मिनट पहले कि एक म्यूचुअल फंड हाउस में जाना है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, अगर आप मैं कंपनी का नाम लूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ उसकी जी, ठीक है ना सर जी. तो मुझे ये बताओ सर ये म्यूचुअल फंड हाउस कहाँ होएगा? आपने एक तरफ ऐसे भी बोला है कि बैंक में भी नहीं जाना है आपने क्योंकि वहां पे कमीशन लेते हैं वो. जी जी, शुक्रिया आपके सवाल के लिए. सर ये जो म्यूचुअल फंड हाउस है, चाहे राजधानी दिल्ली की बात करें, टीयर टू सिटीज की बात करें, क्या हर जगह है इस तरह के हाउस? लगभग इन म्यूचुअल फंड हाउसेस के ऑफिस अलग होते हैं बैंक से. तो उनका नाम अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर लूँ, SBI बैंक एक अलग है, SBI म्यूचुअल फंड एक अलग है. तो SBI म्यूचुअल फंड हाउस का ऑफिस दिल्ली में बहुत जगह पर है, तो आप उन ऑफिस में जाएं, और क्योंकि वो SBI म्यूचुअल फंड हाउस के ऑफिस होते हैं और वहां पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर वो आपको डायरेक्ट फंड बेचेंगे. हालांकि वो आपको थोड़ा थोड़ा डीमोटिवेट करेंगे कि यार ये मत लो, इसमें कुछ रिटर्न नहीं आता, ऐसे करके वो डिमोरलाइज करेंगे आपको. परंतु आपको समझना है कि कोई भी व्यक्ति आपको वो फंड बेचना चाहता है जिसमें उसको कहीं ना कहीं इंसेंटिव होता है, इसीलिए वो डिमोरलाइज कर रहा होता है. यहां पर आपको समझना है कि आपको अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना है, और अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ने के लिए आपको म्यूचुअल फंड हाउस जाना है. वहां पर उनको बोलना है निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ में SIP करनी है. अमाउंट आप बताएंगे और साल कितने ड्यूरेशन है वो आप बताएंगे. अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 3-4 महीने पैसे देता है, उसके बाद 2-3 महीने पैसे नहीं दे पाता, तो चलता है? हाँ जी, अगर आप नहीं भी देते हैं तो भी कुछ नहीं होता. बस अच्छा. क्या होता है कि अब वो इंस्ट्रक्शन आती है आपके पास, और आपके अकाउंट में अगर पैसा नहीं होता तो फिर वो 3 बार आती है लगभग. अच्छा. 2-3 बार आती है, और ऐसा माना जाता है कि आपका चेक कहीं बाउंस हो गया है, तो वो चेक बाउंस की थोड़ी बहुत जो 20-25 रुपए ऐसे कुछ पेनल्टी होगी वो लगेगी, वो बंद हो सकती है. फिर जब आपके पास पैसा दोबारा आ जाए आप उसको दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं. जी बिल्कुल. हाँ जी. तो अगर हम किसान भाइयों की बात करें, और कृषि क्षेत्र में हम देखते हैं कि जैसे हाल में तो हार्वेस्ट सीजन हुआ तो पैसा आ गया, लेकिन कभी कभी जो है ना सीजनल इनकम होती है, कुछ महीने हो सकता है इनकम ना हो, वहां पर वित्तीय साक्षरता कैसे मेरी मदद कर सकती है? बेसिकली किसान लोगों को सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा, वो इतनी मेहनत करते हैं दिन रात, तब जाके हम लोगों का यहाँ पे हम दिल्ली में बैठे हैं, तब जाके हमारा पेट भरता है. और उनको फिर भी मतलब उनको सबसे ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए था पर उनके पास सबसे कम पैसा होता है, ये विडंबना है हमारे देश की. और हमें ये समझना होगा कि कुछ ना कुछ करके हमें इसे चेंज करना ही होगा. और मैं जैसा कि देख रहा हूँ प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ इसके लिए कर रहे हैं, तो उनके केस में हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है. समझिए कि एक सीजन में आपको 1-1.5 लाख रुपए की कहीं इनकम हुई, तो जैसे ही हमें 1-1.5 लाख रुपए की इनकम होती है तो हमारे पास 5-7 महीने का आगे हमें निर्वाह करना होता है, घर चलाना होता है. तो पहले तो 1-1.5 लाख बहुत ही कम होता है, अब उसमें से भी कुछ पैसे निकाल दे और तो वो बड़ा मुश्किल है. पर जो रास्ता मुझे दिखाई देता है, थोड़ा मुश्किल कठिन जरूर है, मैं ये नहीं कहता कि आपकी लाइफ बदल जाएगी, पर मैं ये जरूर कहता हूं कि आपके आने वाले बच्चों की लाइफ तो बदली जाएगी. जी, तो इसलिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट राहुल जी ने जो बताया कि वित्तीय साक्षरता यदि हम करते हैं तो आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए भी हम कहीं ना कहीं एक सुरक्षा बना रहे हैं, अगर हम फाइनेंस सिक्योरिटी की बात करें. एक और कॉलर है, उनका भी सवाल लेते हैं. हेलो. हेलो जी, पूछिए सवाल. सर मेरा सवाल यही है जी, जल्दी से सवाल पूछिए. मैं बिहार से हूँ. हेलो सर जो हम पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, क्या वो पैसा सरकार को जाती है या कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है? जी थैंक यू. सर जो फंड इकट्ठे होते हैं कहाँ जाते हैं? हाँ, तो बेसिकली जिस भी फंड में आप निवेश करेंगे वो फंड जिस भी फंड हाउस का होगा वो पैसा वैसे उसके पास रहेगा, पर वो फंड हाउस उसका कस्टोडियन होता है, वैसे वो सभी की कंट्रोल में होता है पूरा फंड. सरकार के पास वो पैसा नहीं जाता है, वो पैसा उस फंड में निवेश किया जाता है. और सभी क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटी है तो ये भी अच्छी बात है. एकदम सभी आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है. तो आपका पैसा यदि जैसे उन्होंने पूछा जब हम किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हम किसी म्यूचुअल फंड में भी वैसे यही है, हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, निफ्टी इंडेक्स फंड में भी अगर आप कर रहे हैं तो वो पैसा फंड हाउस को जाता है. तो अलग अलग फंड हाउस है, जिस भी फंड हाउस के आपने निफ्टी इंडेक्स फंड में वो पैसा निवेश किया उस फंड हाउस के पास वो पैसा जाएगा और फिर वो आपका पैसा उन 50 कंपनियों में उन्हीं रेशो में इन्वेस्ट कर. राहुल जी हमारे पास सिर्फ 1 मिनट शेष है, चलते चलते वित्तीय साक्षरता के कुछ कॉन्सेप्ट हम सभी समझना जरूर चाहेंगे. तो एक तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कि आगे जो पैसा है और अब जो पैसा उसमें क्या फर्क, और दूसरा आप कह रहे थे मैजिक ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये बता दीजिए. तो बेसिकली
मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग जो आपने वर्ड वर्ड लिया है, आइंस्टीन ने उसके बारे में बोला इट्स अ एट्थ वंडर ऑफ एट्थ वंडर, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग इज अ एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जो आपको ये समझना है कि यदि आपने 1000 रुपये की SIP करी और 10 साल करी और उस पर 15% रिटर्न मिला, तो 10 साल में वो करीब करीब 3 लाख रुपये के आसपास बनता है। तो अगर आपने 10 साल निवेश किया तो 3 लाख, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, अगर 10 साल किया तो 3 लाख, अगर 10 साल और पेशेंस किया आपने तो लगभग लगभग वो पैसा 15 लाख हो जाता है। अच्छा, इतना जंप, मतलब 12 लाख का जंप मिल जाता है। इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और मान लो 10 साल और कर दें तो? अगर आपने ये कहा, वैसे जितना आसान ये सुनने में है, ये हल्का सा डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि आजकल हम लोगों के पास पेशेंस बहुत कम हो गए हैं, और इसमें दो ही चीज चाहिए, एक तो थोड़ा सा पैसा निवेश करना है और पेशेंस। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो आप निर्धारित रूप से बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमने 10 साल और रुके, मतलब 30 साल तक आगे, तो ये 15 लाख से लगभग लगभग 70 लाख रुपए बनेगा, मतलब अगले 10 साल में लगभग 55 लाख का जंप एट द रेट ऑफ 15%। मैं आगे भी जा सकता हूं पर मुझे नहीं पता कि कितने लोग, और टाइम वैल्यू में यह है कि अगर मैं 1000 रुपए जेब में रखता हूं, हाँ जी, तो कल वो 1000 नहीं रहेंगे तो कम हो जाएंगे 999। तो आपको ये सब, ये आपने बहुत अच्छा बात बताया, यदि आपके पास 100 रुपए जेब में है तो आप मुझे ये बताइए कि वो 100 रुपए आपको क्या देगा, साल के अंत में क्या देगा, अगर आपके पॉकेट में आपके हिसाब से क्या देगा जी। तो अगर 100 रुपए मेरी जेब में, तो मैं जब ये सवाल पूछता हूं तो लोग बोलते हैं कुछ नहीं देगा, जीरो, तो मैं बोलता हूं नहीं, जीरो नहीं देगा सर, वो देगा -6। इन्फ्लेशन की जो रेंज होती है वो 4-6% होती है, तो यदि इन्फ्लेशन 6% से बढ़ता है, वो रहेंगे 100 रुपए आपकी जेब में, परंतु उसकी बाइंग पावर 96 रुपए की हो जाएगी। जी बिल्कुल, 96 रुपए की, बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि जो आज चर्चा हुई है इससे हम ये समझेंगे कि उसकी कीमत जो है माइनस में ना हो, प्लस में हो, वेल्थ क्रिएशन के प्रति हम सजग होंगे और फाइनेंशियल लिटरेसी की ओर और भी निवेश करेंगे। लेकिन आज कार्यक्रम में आके हमें इस मुद्दे पे सजग करने के लिए राहुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।